सो गुड आफ्टरनून एवरीवन फ्रेंड्स, आपके सामने एक बैनर शो हो रहा है। सो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, जिसमें हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं वेबसाइट के ऊपर, जिसमें आपको 32 पेपर्स मिलेंगे 3500 क्वेश्चंस के साथ, तो दो दिन के लिए उसमें 50% डिस्काउंट ऑफर हमने रखा है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमारे जो सपोर्टिंग नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं बैनर में, उन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिसके अंदर देखिए सारे जो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेकर एम्स लेवल तक के, प्रायोरिटी लेवल तक के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हैं विद 50% ऑफ। तो आप सभी ने देख लिया होगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप हमारे सपोर्टिंग नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास, जिसके अंदर हम लास्ट क्लास में हमने हेड इंजरी के बारे में पढ़ा था और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अपने चल रहे थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनमें आपको और भी कोई टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट लगता है कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे GI से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स, जिसमें हम सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट के बारे में। सो आपको दिखाई दे रहा है, हमने आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है यहाँ से, कि आप जितनी भी टेस्ट सीरीज है कॉम्बो पैकेज के अंदर आपको 50% डिस्काउंट ऑफर हमने स्टार्ट किया है। इट्स वैलिड ओनली फॉर 2 डेज, तो दो दिन के लिए एक डिस्काउंट ऑफर है। आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे सपोर्टिंग नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट अपनी rjcareer.com, जहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, आपको अगर ज्वाइन करना है, आप अगर इंटरेस्टेड हो इस चीज के अंदर, तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे विद इन 32 पेपर आपके होंगे, वन टाइम पेमेंट होगा, आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइम, एंड आप इसके बाद में जैसे सबमिट करोगे आपका रिजल्ट शो होगा, और 80% जो क्वेश्चन है उसका आपको रेशनल भी आपको मिलेगा, ठीक है। और जैसे पेपर को सबमिट करोगे एज ए PDF आपको पेपर शो होगा, ठीक है। देखिए ऐप, मोबाइल ऐप भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, विद इन 1 वीक आपके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च हो जाएगा, फिर ये चीज आपके लिए और भी ज्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो आप हमारे सपोर्टिंग नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अपना कंप्लीट हो गए हैं, उसके अंदर मैंने आपको 5 या 6 डिजीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने करवा दी है। अब हम बात करते हैं GI से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर के बारे में। यू नो पीडियाटिक्स के अंदर जनरल पीडिया जो है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और अगर अपन सिस्टम के वाइज क्वेश्चन देखें तो उनका वेटेज थोड़ा कम रहता है, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है वो मैं आपको सारी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए अपन बात करते हैं क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट। आज भी आपको थोड़ा 15 मिनट वेट करना पड़ा, यू नो वेरी वेल कि लॉकडाउन है, तो उसके कारण थोड़ा ऑफिस आने जाने के अंदर थोड़ा दिक्कत होती है, और 17 तारीख के बाद में शायद इसमें कुछ रिलीव और ज्यादा मिल जाएगा, तो फिर ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। OBG की रिमेनिंग जो क्लासेज है 5 से 6 क्लासेज है, वो मैं जैसे ही इसका कोर्स थोड़ा हो जाएगा उसके बाद में आपकी कवर करवा दूंगा, ठीक है। अभी अपना क्या है कि PDA का कोर्स बहुत बचा हुआ है, इसलिए मैं आपकी जो PDA की जो रिमेनिंग क्लासेज है वो जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक बार सिलेबस लेवल तक आ जाएगा उसके बाद अपन OBG की रिमेनिंग क्लासेस करवा देंगे। रेस्पिरेटरी भी करवाएंगे, GI भी करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अपन क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट की, ठीक है। तो क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट कंडीशन क्या है, देखिए क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट बात करें, क्लैप्ट का मतलब क्या हो गया हिंदी में बात करें तो क्या हुआ, यहां पर
कंप्लीट आपका क्या हुआ, फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी कटा हुआ लिप या पैलेट। तो अब देखिए क्लैप्ट लिप का मतलब क्या होगा यहां पर, फेल्योर टू फ्यूजन, फेल्योर टू फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, फेल्योर टू फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप एंड फेल्योर टू फ्यूजन ऑफ बोनी या हार्ड टिश्यू ऑफ पैलेट, बोथ आर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर लिप्स के सॉफ्ट टिश्यू का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लिप के सॉफ्ट टिश्यू का फ्यूजन नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज द क्लैप्ट लिप कंडीशन। और अगर पैलेट के हार्ड या बोनी टिश्यू का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज द क्लैप्ट पैलेट। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान लिप या पैलेट के सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू का अगर कंप्लीट फ्यूजन नहीं हो पाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी, क्लैप्ट लिप या क्लैप्ट पैलेट। असेसमेंट के अंदर अपन देखते हैं, दिस कंडीशन मे बी यूनिलैटरली, दिस कंडीशन मे बी यूनिलैटरली एंड बायलैटरली, ठीक है। यूनिलैटरली का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो लिप है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो खैर समझ लीजिएगा आप, ठीक है, नहीं बन रही, यूनिलैटरली, देखिए लिप स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करना, यूनिलैटरली का मतलब क्या हो गया, सिर्फ वन साइड से क्या है यहां पर क्लैप्ट लिप की कंडीशन है, अगर दोनों तरफ से ऐसी कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, बायलैटरली, तो इट मे बी यूनिलैटरली और इट मे बी बायलैटरली, ठीक है। क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट दोनों के अंदर ये कंडीशन हो सकती है कि यूनिलैटरली भी हो सकता है और बायलैटरली कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है, या तो वन साइड होगा या फिर बोथ साइड कंडीशन हो सकती है क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट के अंदर, दोनों कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से इसके कॉजेज, इसके कॉजेज क्या होंगे, क्या क्या इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं या कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण क्लैप्ट लिप या क्लैप्ट पैलेट की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। सबसे मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है यहां पे, हेरिडिटरी कॉज, ठीक है, हेरिडिटरी कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपोजर टू रेडिएशन, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन के एक्सपोजर में आएगी तो उसके कारण क्या हो सकता है वहां पर, क्लैप्ट लिप या क्लैप्ट पैलेट की कंडीशन हो सकती है उसके डिलीवर्ड बेबी के अंदर, या इसके अलावा कंडीशन क्या हो सकती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण भी हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है मैटरनल इंफेक्शन, मैटरनल इंफेक्शन के कारण भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें अपन बात करते हैं टॉर्च इंफेक्शन, ठीक है, टॉर्च जो इंफेक्शन होता है वो। नेक्स्ट यहां पर कंडीशन क्या हो सकती है, या तो फीमेल क्या होगी, रेडिएशन के एक्सपोज में आ सकती है, या हेरिडिटरी इफेक्ट हो सकता है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर मैटरनल इंफेक्शन की कंडीशन हो सकती है, या इसके अलावा टेराटोजेनिक इफेक्ट, टेराटोजेनिक इफेक्ट की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो टेराटोजेनिसिटी है वो कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है जिसके कारण क्लैप्ट लिप या क्लैप्ट पैलेट की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। देखिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दो, अवेलेबल है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अवेलेबल है, आप हमारे इस नंबर पे जो सपोर्टिंग नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसके बाद में आपको एक लिंक जनरेट होके वहां से मिलेगा, तो वहां पर अपना ग्रुप अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
टॉर्च का फ्लू आप सभी को पता है, टॉक्सोप्लाज्मा वायरिडी, इसमें अदर वायरस होता है, ठीक है, रूबेला, साइटोमेगलो वायरस या हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसके हमने कॉजेस देख लिए, डेफिनेशन देख ली, असेसमेंट के अंदर हमने बता दिया कि यूनिलेटरली हो सकता है या बायलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। सपोर्ट नंबर आपको स्टार्टिंग में बताया है, वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए मोस्टली ये जो देखने को मिलता है वो अपर लिप की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके इंटरवेंशन की, कि क्लैप लिप और क्लैप लिप पैलेट की जो कंडीशन है उसका इंटरवेंशन क्या होगा। इंटरवेंशन के अंदर सबसे फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, उसके अंदर असेस करेंगे, असेस द सकिंग, स्वेलोविंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, कि बेबी को सकिंग के अंदर, स्वेलोविंग में या ब्रीथिंग के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी या कोई डिफिकल्टी कंडीशन तो उसको देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा असेस द डेली फ्लूड एंड कैलोरी इंटेक, कि क्लैप्ड लिप के कारण जो बेबी है वो डेली फ्लूड और डेली जो कैलोरी इंटेक उतना उसका होना चाहिए उतना इंटेक कर पा रहा है या उसके अंदर भी कोई एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज मॉनिटर द डेली वेट, बेबी का अपन क्या करेंगे, डेली वेट मॉनिटर करेंगे। ओबीजी की मैंने क्लासे बता दी है, बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं। देखिए पीडिया जो सिलेबस है अभी रिमेनिंग है बहुत सारा, इसलिए एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट होने को आएगा तब अपनी ओबीजी की मुश्किल से 5 से 6 क्लासे वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और क्लासेस का टाइम जो है वो डेली 4 बजे का होता है। आज आपको थोड़ा 15 मिनट वेट करना पड़ा, लॉकडाउन के कारण थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसलिए कभी कभी लेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर बात किया असेसमेंट के अंदर में क्या किया, सकिंग, स्वेलोइंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टी को हमने चेक किया, असेस द डेली फ्लूड एंड कैलोरी। नेक्स्ट इज मॉनिटर द डेली वेट, बेबी का अपन क्या करेंगे, डेली वेट मॉनिटर करेंगे, ठीक है। देखिए सर्जरी के बाद में अपन फीडिंग कैसे करवाते हैं, ये सारा भी टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए तो उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। विक्रम सर की क्लासेस भी करवाएंगे आफ्टर जस्ट 1 वीक, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं आप यहां से, कि अगर क्लैप लिप या क्लैप पैलेट की कंडीशन है तो बेबी को वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने को मॉडिफाइड मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक्स का अपन यूज करेंगे, मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक्स का अपन यूज करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर देखिए ऑब्ट्यूरेटर या स्पेशल फीडर के द्वारा, ऑब्ट्यूरेटर या स्पेशल फीडर के द्वारा अपन क्या करेंगे, बेबी को फॉर्मूला फीडिंग अपन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के जो चांसेस हैं उसके अंदर कम होते हैं, क्योंकि बेबी इजीली ब्रेस्ट फीडिंग कर नहीं पाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या होना चाहिए, ओरल कैविटी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जब लिप सही होता है बेबी का तो क्या कर सकता है, इजीली वैक्यूम क्रिएट करके निपल को सक करके इजीली ब्रेस्ट फीड कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर अगर क्लैप्ड लिप की कंडीशन है तो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा बेबी, तो उसको अपन क्या करेंगे, मॉडिफाइड ब्रेस्ट फीडिंग या सॉरी मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक्स का अपन यूज करेंगे। तो उसमें ऑब्टूरेटर की हेल्प से या स्पेशल फीडर की हेल्प से बेबी को क्या करेंगे, अपन फीडिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं यहां से, बेबी को स्मॉल अमाउंट में
स्मॉल अमाउंट फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट फीडिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जस्ट आफ्टर फीडिंग बेबी को क्या करेंगे अपन, रिकरेंट बर्पिंग द बेबी, ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद में बेबी को बर्पिंग करेंगे ताकि जो फूड जो फीडिंग कंटेंट है या मिल्क जो है वो एस्पायरेट ना कर सके, ठीक है। इसलिए अपन क्या करेंगे बेबी को बर्पिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कीप द सक्शन इक्विपमेंट ड्यूरिंग द फीडिंग, अपन क्या करेंगे कीप द सक्शन इक्विपमेंट एट बेड साइड। बेड साइड अपन क्या रखते हैं, सक्शन इक्विपमेंट रखते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, चांसेस ऑफ एस्पायरेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, जो फीडिंग कंटेंट है उसका एस्पायरेशन कर सकता है बेबी, तो इसलिए अपन क्या करेंगे वहां पर ड्यूरिंग द फीडिंग सक्शन इक्विपमेंट रखते हैं अपन बेड साइड, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहां से बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। बर्पिंग का मतलब होता है उसकी बैक साइड को अपन क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, बैक साइड अपन क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। तो रबिंग करने से क्या होगा कि ब्रेस्ट जो फीडिंग कर रहा है बेबी, तो फीडिंग के दौरान क्या होता है, कुछ एयर उसके स्टमक के अंदर चली जाती है, ठीक है, तो एयर को क्या करेगा, एक्सहेल कर देगा, जिससे एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ गया सभी को, सही बता रहे कुछ स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट, इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट, क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट। अब देखिए क्लैप्ट लिप की जो सर्जरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी, चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी। और क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी को क्या बोलते हैं अपन, स्टेफाइलोरेपी। स्टेफाइलोरेपी या पैलेटोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कि क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी के लिए रूल ऑफ 10, जो अपन बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि रूल ऑफ 10 क्या होता है। रूल ऑफ 10 इसके अंदर क्या होता है, क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, बेबी की जो एज होगी वो कितनी होनी चाहिए, 10 वीक, ठीक है। उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 10 ग्राम, और उसका वेट कितना होना चाहिए, 10 lbs, ठीक है, 10 पाउंड उसका वेट होना चाहिए। तो ये क्या है, रूल ऑफ 10 फॉर क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट की जो सर्जरी के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपन बोलते हैं रूल ऑफ 10। एज होगी उसकी 10 वीक, हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसका 10 ग्राम, और वेट जो होगा वो 10 lbs होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बात करें अपन क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी, तो क्लैप्ट लिप की सर्जरी को बोलते हैं चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी। तो ये अपन कर सकते हैं कब, 1 to 3 months ऑफ एज के अंदर अपन सर्जरी परफॉर्म करते हैं। क्लैप्ट लिप की जो सर्जरी होती है अपन कब करते हैं, 1 to 3 months की एज के अंदर, ठीक है। जबकि यहां पर अपन बात करें तो इन्फेंट के अंदर, देखिए इन्फेंट के जो सर्जरी करते हैं अपन 8 to 12 months, ठीक है, 8 to 12 months के अंदर अपन क्या करते हैं सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जबकि बात करें अपन टॉडलर की, टॉडलर के अंदर 12 to 18 months ऑफ एज, मतलब सर्जरी शुड बी डन बिफोर द
स्पीच प्रोडक्शन बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन. स्पीच प्रोडक्शन से पहले अपन क्या करते हैं, इसकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं. तो क्लैट लिप और क्लैट पैलेट की सर्जरी अपन परफॉर्म करते हैं जस्ट बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से इसके प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में. देखिए प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपन क्या क्या करेंगे इसके अंदर. प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट कि सर्जरी करने से पहले अपने को उसका क्या मैनेजमेंट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रेस्पिरेशन को मेंटेन करेंगे. रेस्पिरेशन क्या करेंगे अपन, मेंटेन करेंगे. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हमने इंटरवेंशन किया था तो उसमें हमने क्या किया था, बेबी की स्वेलविंग सकिंग और उसके रेस्पिरेशन के अंदर जो भी डिफिकल्टी है उसका हमने इंटरवेंशन किया था और उसके साथ साथ उसका डेली वेट, डेली फ्लूड और कैलोरी इंटेक उसका चेक किया था. और उसके साथ साथ हमने उसको क्या किया था, मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक का यूज किया था. अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट से पहले कि जैसे हमें सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उससे पहले अपन चेक करेंगे कि बेबी को रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डिफिकल्टी अगर हो रही है तो वो चीज का अपन क्या असेस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेबी को अपन सेमी अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. सेमी अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग द फीडिंग. ड्यूरिंग द फीडिंग, फीडिंग के दौरान अपन क्या देंगे, सेमी अपराइट पोजीशन बेबी को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज साइड लैटरल पोजीशन. साइड लैटरल पोजीशन आफ्टर फीडिंग. आफ्टर फीडिंग क्या करेंगे अपन, साइड लैटरल पोजीशन बेबी को प्रोवाइड करते हैं. तो पोजीशन का हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द फीडिंग अपन क्या करेंगे, सेमी अपराइट पोजीशन अपन रखेंगे ताकि किससे प्रिवेंट कर सके, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. प्रिवेंट एस्पिरेशन, बेबी एस्पायरेट ना कर सके. जो भी फीडिंग कंटेंट है हमारा उसको बेबी एस्पायरेट ना कर सके, इसलिए अपन उसको सेमी अपराइट पोजिशन देते हैं और आफ्टर फीडिंग उसको साइड लेटरल पोजिशन उसको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज फीडिंग. देखिए जब फीडिंग अपन करवा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाइड ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे. तो यहां पर देखिए अपन क्या करते हैं, पुट द मिल्क इनसाइड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ. क्योंकि ऐसे अगर बेबी को अपन निप्पल के द्वारा सकिंग करवाएंगे तो उसको शक नहीं कर पाएगा इजिली, तो इसलिए उसके पोस्टीरियर पार्ट या साइड पार्ट ऑफ द माउथ के अंदर अपन क्या कर देंगे, मिल्क को पुट करते हैं ताकि इजिली उसको एंगल्फ कर सके. और सेमी जो अपराइट पोजिशन है वो किस लिए यूज में लिया था हमने, ताकि प्रिवेंट कर सके, किससे, एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर सके. ठीक है, नेक्स्ट इज एजुकेट द पेरेंट्स. यहां से क्वेश्चन आता है, एक चीज ध्यान रखना, एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट ESSR टेक्निक्स ऑफ फीडिंग. ठीक है, फीडिंग की जो ESSR टेक्निक होती है उसके बारे में पेरेंट्स को अपन क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं. अब देखिए ESSR टेक्निक क्या होती है, अब यहां पर देखिए ई का मतलब क्या हो गया, एनलार्ज द निपल. नेक्स्ट इज एस इज इक्वल टू स्टिमुलेट सकिंग.
एंड एस इज इक्वल टू स्वेलोविंग एंड देन रेस्ट। तो इस टेक्निक्स के बारे में अपन क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं उसके पेरेंट्स को ताकि वो इजीली उसको क्या करा सके, फीडिंग करवा सके, ठीक है। एनलार्ज द निपल, स्टिमुलेट द सकिंग, स्वेलोइंग एंड रेस्ट। तो ये टेक्निक्स, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बात हुई किसकी, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट सर्जरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से इसके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में, कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या परफॉर्म करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट होता है कि जैसे हमने ऑपरेट कर दिया, उसके बाद में तो देखिए पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, तो सबसे पहले देखिए क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देखकर बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्लैप लिप के अंदर क्या करते हैं अपन, अवॉइड द पोजिशन ऑन सर्जिकल साइट, कि जैसे मान लो क्लैप लिप की बात कर रहे हैं तो सर्जिकल साइट की तरफ अपने को पोजिशन नहीं प्रोवाइड करना है, लाइक एज प्रॉन पोजिशन, मतलब अपन प्रॉन पोजीशन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं किसके अंदर, क्लैप्ट लिप सर्जरी के अंदर प्रॉन पोजीशन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, क्योंकि अगर प्रॉन पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे तो एब्रेजन हो सकता है सर्जिकल साइट में, क्या हो सकता है, एब्रेजन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्लीन जस्ट आफ्टर फीडिंग, क्लीन जस्ट आफ्टर फीडिंग ऑफ साइट, मतलब हमने ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग बेबी को करवाया है, ठीक है, या मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक हमने यूज ली है, तो जस्ट आफ्टर फीडिंग अपन क्या करेंगे, साइट को क्लीन रखेंगे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, साइट को क्लीन रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्लैप्ट पैलेट की बात करें तो क्लैप्ट पैलेट के अंदर क्या करेंगे, ओरल पैकिंग, ओरल पैकिंग फॉर 3 to 6 days after surgery, सर्जरी के बाद में ओरल पैकिंग अपन करते हैं, मतलब यहां पर क्या करेंगे अपन, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन बेबी को अपन प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट के अंदर आप देख लीजिए कि यहां पर लिप के अंदर जो पोजीशन है वो प्रोन पोजीशन अपन अवॉइड करते हैं, और क्लैप्ट पैलेट के अंदर क्या करेंगे अपन, ओरल पैकिंग करेंगे 3 to 6 days के लिए, ठीक है। तो 6 days के लिए अपन क्या करेंगे, उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अपन जो साइट है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना आप, डू नॉट द सक्शन, ठीक है, डोंट सक्शन फॉर क्लैप्ट सर्जरी, ठीक है, जहां पर क्लैप्ट पैलेट की जो सर्जरी हुई है उस कंडीशन में अपन सक्शन मशीन जो है वो यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। बेबी के लिए अगर कुछ ऐसा कंडीशन होती है तो वहां पर अपन सक्शन मशीन यूज में नहीं लेंगे, इस चीज को अपन प्रिवेंट करेंगे कि बेबी एस्पायरेट ही ना करे, क्योंकि अगर हम ओवरऑल पैकिंग कर रखे हैं और वहां पर अगर बेबी को क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन अज्यूम होती है, तो वहां पर अपन सक्शन को अवॉइड करेंगे, ठीक है, वरना जो सर्जिकल साइट है वो एब्रेजन हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं सर्जरी के बाद में, अपने कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं,
क्लैप लिप के अंदर जो सर्जरी है, जस्ट आफ्टर सर्जरी अपन क्या करते हैं उसको, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग अपन करवा सकते हैं, ठीक है। 2 to 3 days के बाद अपन उसको ब्रेस्ट फीडिंग अपन करवाते हैं, और जस्ट आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग अपन जो साइट है उसको क्लीन रखते हैं, कंटिन्यूस पे ड्रेसिंग नहीं रखते। नेक्स्ट बात करते हैं यहां से कॉम्प्लिकेशन। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर क्लैप्ट लिप एंड क्लैप्ट पैलेट सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है अपने को। इसके अलावा अगर सर्जरी अपन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर क्या हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीडिंग एस्पिरेशन। जो भी अपन बेबी को फीडिंग करवाते हैं वो बेबी क्या कर सकता है, एस्पायरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब फीडिंग प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है जो सर्जरी के कारण हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखिए ओटाइटिस मीडिया कैसे होगा, अगर अपन क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी के दौरान पैलेट जहां से सर्जरी परफॉर्म किए तो वहां पर अगर इंफेक्शन की कंडीशन हो जाती है, ठीक है, इंफेक्शन की कंडीशन के कारण क्या होगा, जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब कहां खुलती है, ओरोफेरिंक्स के अंदर, सॉरी नेसोफेरिंक्स के अंदर क्या होती है, यूस्टेकियन जो ट्यूब है वो ओपन होती है, तो वहां से इंफेक्शन सीधा कहां पर जा सकता है, मिडिल ईयर के अंदर जा सकता है, और ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन जो है हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी में क्या हो सकता है, अगर पैलेट सर्जरी में अंदर क्या होगा, इंफेक्शन होगा, तो यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू क्या हो सकता है, जो इंफेक्शन है वो मिडिल ईयर के पहुंच सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यहां पर ओटाइटिस मीडिया हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इज द ओटाइटिस मीडिया। जो सक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि सक्शन अपने को अवॉइड करना है, वो ओनली किसमें है, ओरल पैकिंग किसमें करते हैं अपन, क्लैप्ट पैलेट सर्जरी के अंदर, क्योंकि क्लैप्ट लिप के अंदर तो सक्शन का कोई रोल नहीं होगा, क्लैप्ट लिप जो सर्जरी होगी वो बाहर से होती है, ठीक है। और क्लैप्ट पैलेट अगर अंदर से सर्जरी होगी तो सक्शन मशीन के अंदर क्या हो सकता है, वो चीज जहां पर साइट है वहां से एब्रेजन हो सकता है, ठीक है, वुंड और ज्यादा गहरा हो सकता है, तो वहां पर अपने को सक्शन अवॉइड करना है। समझ में आ गया सभी को, तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि अभी आपके लिए ऑल टेस्ट सीरीज पर 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो 2 दिन के लिए डिस्काउंट कंडीशन है, तो आप इस चीज को इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर आपको 32 पेपर्स के अंदर 3500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और वैलिडिटी इसकी ओनली फॉर 2 डेज, 2 दिन तक ये चीज रहेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को इंटरेस्टेड है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे सपोर्ट नंबर जो हैं उन पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सर्जरी मैंने आपको बता दिया डिफरेंस जो, कि क्लैप्ट लिप के अंदर अपन क्या करते हैं, 1 to 3 months के अंदर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और क्लैप्ट पैलेट के अंदर अपन क्या करते हैं, इन्फेंट में तो अपन 8 से 12 महीने के अंदर, और टॉडलर के अंदर अपन 12 से 18 मंथ पर क्या करते हैं, इसकी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। क्लैट पैलेट की सर्जरी अपन कब तक कर सकते हैं, जस्ट बिफोर द स्पीच प्रोडक्शन, जब बेबी बोलना स्टार्ट करता है उससे पहले अपन कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्टुरेटर क्या होता है, एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा अपन जो फीडिंग कंटेंट अपना मिल्क है वो बेबी को डायरेक्ट अपन पोस्टर पार्ट ऑफ माउथ के अंदर अपन इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, 9024103614 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
क्लासेस मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, क्लासेस हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार कंप्लीट, एक बार लॉकडाउन हट जाए उसके बाद में आपकी सारे क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। हम भी आपकी जो क्लासेज, अभी लॉकडाउन कंप्लीट हटा नहीं है फिर भी हम आपकी जैसे तैसे करके क्लासेस अरेंज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जैसे भी सिलेबस हो, घर पे आप सभी फ्री बैठे हो, तो अभी आपके लिए प्रैक्टिस का बहुत अच्छा मौका है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, थ्योरी नॉलेज के साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और अभी आपके सामने एक लॉकडाउन स्पेशल के तौर पे हमने एक ऑफर भी निकाल दिया है, 50% अगर आप ऑल पैकेज आप लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा, जिसमें 3,500 क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत होते हैं इतने क्वेश्चन, उसमें सारे बेसिक लेवल से लेकर प्रायोरिटी लेवल तक के सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप क्वेश्चंस की। तो देखिए, आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल 4 बजे होगी मेरी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।